So hi guys, welcome back to our next. So if you have planned to buy an EV bike, then what's better than the Revolt? मैं अभी हूँ साढ़ा ढाला के ये सिग्नेचर Revolt के पास. Revolt के अंदर अभी आपको तीन मॉडल्स आते हैं. एक RB1 आती है और दूसरी RB1 प्लस आती है और तीसरी RB 400 आती है. RB1 जो है अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट कुछ दिनों में वो आ जाएगी. आपको बारी बारी से दोनों बाइक्स दिखाते हैं और थोड़े बहुत फीचर बताऊंगा और क्या कुछ डिस्काउंट मिलता है इसके अंदर में वो भी बताएंगे आपको. ये RB1 प्लस है और ये RB 400 है, तो इनके ऊपर एक पर्सनली वीडियो आएगी डिटेल्ड में, तो वो सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. तो फिलहाल बात करते हैं इन दोनों बाइकों का. तो ये RV 400 है और इसके अंदर में आपको बेल्ट मिलता है, चेन ड्राइव नहीं मिलता है, जो आपको बार बार जो ल्यूब करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, उससे आप ये बाइक लेके बच सकते हो. यहाँ पे आपको स्मार्ट की जैसे कार के अंदर आता है, वही की इसके अंदर में है और इस की के माध्यम से आप इस बाइक को ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो और लोकेशन निकाल सकते हो कि बाइक हमारी कहाँ पार्क है. तो ये बटन से ना ये बाइक चालू हो जाती है. देखो ये बटन मैंने दबाया और गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई. यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स है इसके अंदर में और 240mm का आपको डिस्क मिल जाता है फ्रंट में और 240 रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है. और यहाँ पे मोनोशॉक का सस्पेंशन है और ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है. जो यहाँ पे कंसोल है इसका बहुत ज़्यादा एडवांस है. यहाँ पे आप देखो तो बैटरी परसेंट दिखा रहा है और यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ पे रेंज बता रहा है कि कितनी किलोमीटर गाड़ी और चलेगी. यहाँ पे स्पीडो आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फॉन्ट में आपको स्पीडो यहाँ पे मिल जाएगा. और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है और यहाँ पे मोड्स हैं और यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो. एक्चुअली तीन राइडिंग मोड मिलते हैं इसके अंदर में. स्पोर्ट मोड मिलता है, सिटी मोड मिलता है और इको मोड मिलता है. यहाँ पर स्पोर्ट मोड लगा हुआ है और इसको थोड़ा सा मतलब साइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखो सिटी मोड लग गया, यहाँ से चेंज होता है ये. और ये यहाँ पे इको मोड लग गया. और यहाँ पे आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है जो और किसी गाड़ी में नहीं मिलता है, ये आप करके रिवर्स गियर लगा सकते हो जैसे कार में होता है. और ये अभी के टाइम पे मतलब बजट में तो कोई गाड़ी में नहीं आता है, बाइक में, बाइक के अंदर खास करके. और कुछ ये स्विचेज हैं, आपको अपर डीपर का मिलता है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ऑल LEDs में है और यहाँ पर आपको किल स्विच का ऑप्शन मिलता है. और यहाँ से आप बाइक को लॉक कर सकते हो. ये यहाँ पे बाइक लॉक हो गई और वापस से क्लिक करेंगे दूसरा बटन तो बाइक अनलॉक हो जाएगी. बहुत ज़्यादा स्मार्ट बाइक है ये. और इसके अंदर में जैसे कि EV बाइक है तो इसके अंदर में आपको वो गियर वाला सिस्टम से भी छुटकारा मिल जाएगा. बस आप रेव देते जाओ, बाइक भागती जाएगी. और ये बाइक स्टार्ट भी हुई है तो अभी इसे बंद कर देते हैं. और यहाँ पे आप बटन से भी ऑफ़ कर सकते हो गाड़ी को. ये गाड़ी ऑफ हो चुकी है बटन दबाने के बाद. बैटरी को आप स्विच कर सकते हो. कस्टमाइज साउंड आप लगा सकते हो, रेक की रेव करने पे कैसा कैसा आपको कौन सी साउंड पसंद आ रही है वो सब चूज कर सकते हो आप. हिस्टोरिकल डाटा आप निकाल सकते हो, पैरेंटल टाइप की, कि आप कहाँ से कहाँ तक राइड किए हो, टोटल आप उस राइड की जानकारी निकाल सकते हो ऐप के थ्रू. और यहाँ पे आपको लोकेशन भी मिल जाता है कि बाइक आपकी कहाँ पे पार्क हुई है. ये सारे फीचर जो है आप अपने फ़ोन में निकाल सकते हो इस बाइक के ऊपर. तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की ये बाइक है और जैसे लग रहा है भाई पूरी AI इनेबल्ड बाइक है. तो अब दिखाने वाले हैं आपको RB1 प्लस जो अभी नई लॉन्च हुई है. यहाँ पे आपको नॉर्मल सी बाइक जैसे ही यहाँ पे चेन ड्राइव है इसके अंदर में. और इसके अंदर में आपको JK की टायर्स लगी हुई है और काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है. और इसके अंदर अगर लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको ऑल LED में मिल जाएगा, बैकलाइट भी LED के अंदर है और फ्रंट के अंदर भी टोटल LED में आपको हेडलाइट मिलता है. और यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी LED के अंदर आता है. और नॉर्मल बाइक जैसे यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाता है. तो बाइक ऐसे मतलब देखने पे लगती नहीं है कि कोई EV बाइक है. इसका भी आपको कंसोल दिखा देते हैं.
तो इसका की जो है नॉर्मल बाइक जैसे आता है ना वैसे ही है। यहाँ पे लॉक भी हो जाता है और अनलॉक भी हो जाता है और ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो इसके अंदर भी कंसोल जो है यहाँ पे बैटरी परसेंट बता रहा है, यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ पे रेंज बता रहा है और यहाँ पे स्पीडो है। और यहाँ पे भी आपको तीन राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जैसे RV 400 के अंदर आया करते थे। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग मोड में स्विच कर सकते हो आप बाइक को और पावर को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको रिवर्स गियर मिल जाता है अगेन, जो कि बहुत अच्छा फीचर है अगर किसी लेडीज़ को या फिर टाइट प्लेस हो तो वहाँ पे आप आराम से विदाउट फोर्स लगाए खुद के बाइक खुद ब खुद पीछे चली जाएगी। और इसके अंदर भी कुछ स्विचेज जो हैं उसी प्रकार से मिलने वाले हैं। तो ये RV One Plus है और इसके अंदर में आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और वो पोर्टेबल बैटरी पैक है और IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि पानी और डस्ट प्रूफ बैटरी होता है। और उसके ऊपर में आपको 5 लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई आग लग जाएगा या फिर कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, 5 लेयर प्रोटेक्शन में आता है। और ये गाड़ी बहुत दिन से बिकती आ रही है और ये आप ओपन करके बैटरी पैक को निकाल सकते हो और अपने घर पे उसे निकाल करके चार्ज कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे घर पे तो 4.5 घंटा का आपको जो है टाइम लगने वाला है बैटरी को चार्ज करने में। बट एज ए ऑप्शन आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप फास्ट चार्जर बाई करके इस बाइक को आप मात्र 90 मिनट में आप इस गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हो और उससे 150 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हो। तो ये RV One Plus की बात हो गई और ये है RV 400। तो इसके अंदर भी 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है और इसके अंदर भी आप एज एसेसरी बाई कर सकते हो फास्ट चार्जर जो 90 मिनट में आपकी बाइक को फुल चार्ज कर देगा और 150 किलोमीटर के लगभग में रेंज रहने वाली है इसकी। और इसका भी जो बैटरी पैक है वो पोर्टेबल है, मतलब आप इसे निकाल करके कैरी कर सकते हो और मान लीजिए कि आप ऊपर कहीं रहते हो या फिर मतलब बाइक जहाँ पार्क करते हो वहाँ पे आप चार्ज नहीं कर सकते हो, तो बस बैटरी को आपको निकालना है और निकाल करके आपको जहाँ इच्छा वहाँ पे ले जाके चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर भी आप अगर नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे तो 4.5 घंटा का टाइम लगने वाला है, बट अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 90 मिनट में पूरी बाइक चार्ज हो जाने वाली है, ठीक है। तो बात करें अगर RV 400 की प्राइसेस की तो ये आपको 1,83,000 की पड़ती है ऐसे, बट अभी के अंदर में आपको डिस्काउंट मिलता है 10,000 का, जी APMS का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लेस करके आपको 1,73,000 में ये गाड़ी ऑन रोड मिल जाने वाली है। तो ये है RV One Plus और इसके ऊपर डिस्काउंट और प्राइस की बात करें तो ये ऐसे पड़ती है ऑन रोड 1,30,000 की, बट अभी इसके ऊपर में आपको डिस्काउंट मिलता है, ये EPMS जो गवर्नमेंट लगाती है उसका डिस्काउंट मिल जाता है आपको इसके अंदर में। तो वो हटाने के बाद आपको ये गाड़ी पड़ेगी मात्र 1,20,000 की। अगर बात करें सबसे कम कीमत वाली रिवोल्ट बाइक की तो वो होने वाली RV One और उसकी ऐसे प्राइस पड़ती है 1,14,000, बट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ EPMS वो आपको पड़ेगी मात्र 1,04,000 की। तो ये कुछ सारे बाइकों के जो है प्राइस मैंने आपको बता दिए, फीचर्स भी कुछ कुछ बता दिए, बाकी पार्टिकुलर वीडियोज देखने के लिए